आज का हमारा टॉपिक है एंटी पार्किंसन ड्रग। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि ये जो ड्रग है ये सब किस में दिए जाएंगे, जिन पेशेंट को पार्किंसन हो जाएगा उनको ये ड्रग दिए जाएंगे। तो हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू फार्मा जैसे हमने आज टॉपिक कवर करे बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ेंगे हम। ये पहले हम पार्किंसन को समझेंगे कि पार्किंसन होता क्या है, क्या कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि ये आप एक कंप्लीटली पढ़ोगे थर्ड ईयर में, या फिर इस तरीके से बोले तो न्यूरो में कंप्लीटली पढ़ोगे। अब कहीं पर अलग 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 ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट है, न्यूरो में ये कंप्लीट पढ़ने को है। यहाँ तो इन द फॉर्म ऑफ ड्रग पढ़ोगे, मगर फिर भी हम एक इसका ब्रीफ आइडिया जरूर लेंगे कि पार्किंसन क्या है, किसकी वजह से होता है, क्या अफेक्ट होता है, रीजंस क्या है। क्योंकि जब हम ड्रग देंगे तो हमें बिल्कुल एक एक क्लियर कट समझ आना चाहिए कि अच्छा ये ड्रग हम इस वजह से दे रहे हैं। चाहे फिर हमने बीपी के लिए पढ़ा हो, हमने लिपिड के लिए पढ़ा हो, हमने किसी भी पढ़ा हो, बिल्कुल हम उसी तरीके से इसको कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं पार्किंसन क्या है। पार्किंसन क्या है बोले, पार्किंसन एक डिसीज है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन फिर आता है कि डिसीज है कि डिसऑर्डर है, तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि पार्किंसन डिसऑर्डर, पहले तो आपको एक छोटा सा 1 मिनट में डिसीज और डिसऑर्डर के बीच में एक अंतर क्लियर करता हूं। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डिसीज क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होते हैं, और डिसऑर्डर क्या होते हैं। अब जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जॉइंटिस डिसीज है कि डिसऑर्डर है, ऑब्वियस डिसऑर्डर है, जब मैंने इसीलिए बात पूछी है। तो डिसीज और डिसऑर्डर में हमेशा ये अंतर होता है कि कभी भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो बाहर से आकर बॉडी में आई है, जिसने बाहर से क्या करा है, बॉडी पर अटैक करा है, वो बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, कोई भी चीज हो जिसने बाहर से आपको आके ट्रिगर करा, आप उसको डिसीज बोलते हैं। मगर कोई भी ऐसी चीज जिसमें बाहर कोई भी फॉरेन का एनवायरमेंट नहीं था, विद इन आपकी बॉडी में कोई ना कोई गड़बड़ हुई, कैसे हुई वो आप जानो, उसके रीजंस अलग अलग हैं, हम बाद में समझेंगे किस तरीके, मगर वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई कि आपकी बॉडी में कोई चीज कम हो गई या ज्यादा हो गई, कुछ भी कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, मगर विद इन अ बॉडी हो, कोई बाहर से आके कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। तो पार्किंसन डिसऑर्डर है, तो इतना तो हमें समझ आ गया कि ये एक ऐसी डिसीज है कोई बाहर से आके इनिशिएट नहीं करेगा, विद इन द बॉडी होगी, मतलब बॉडी के अंदर कोई चीज कम या कोई चीज ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। तो पार्किंसन क्या है, पार्किंसन इज अ क्रॉनिक, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव, दो वर्ड याद रखना, ये स्टार्टिंग से क्रोनिसिटी की तरफ चलता है, एक्यूट फॉर्म में नहीं होता। जैसे अगर आपने टीवी की डेफिनेशन पढ़ी है, जैसे आपसे बहुत से लोग आपके माइंड में हमेशा एक इमेज बनी होती है कि अरे हर चीज पहले एक्यूट होती है फिर क्रोनिक होती है, नहीं, कुछ चीजें क्रोनिक से ही स्टार्ट होती है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल तो आप ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को आप टीवी क्या, कभी भी कोई एक्यूट फेज में होती है नहीं, वो हमेशा क्रोनिक ही होती है। ऐसी बहुत सारी जो बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोनिक ही स्टार्ट होते हैं, उनका कोई एक्यूट फेज नहीं होता। ऐसे ही पार्किंसन का कोई एक्यूट फेज नहीं है, ये डायरेक्टली क्रोनिक होती है, और सबसे बड़ी चीज ये प्रोग्रेसिव होती है। कोई भी डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर जनरली, ये आप देखना, डिसऑर्डर जनरली प्रोग्रेसिव होते हैं, डिसऑर्डर्स जनरली प्रोग्रेसिव होते हैं। ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे हैं, अभी तो पहले इनमें क्या बोल रहे हैं कि पार्किंसन इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर, यानी अब हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो हमारे बॉडी के मोटर फंक्शन से करेगा, मोटर फंक्शन से, मतलब आपका कोई भी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ना नमनेस, ना टिंगलिंग, ना कुछ भी, कोई भी पेशेंट के सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे, जो भी उसको प्रॉब्लम आने वाली है वो उसको मोटर फंक्शन में आने वाली है। क्या क्या आएंगे हम उसको अभी समझेंगे। तो यानी तीन वर्ड यहां क्लियर हो गए कि पार्किंसन पहली बात तो डिसऑर्डर है, फिर वो क्रॉनिक है और प्रोग्रेसिव है। पार्किंसन हमेशा चार गोल्डन वर्ड्स पार्किंसन के लिए बोले गए हैं। बोले क्या क्या बोले गए हैं, बोले एक बोला गया है रिजिडिटी, चारों को समझेंगे अभी। बोले एक एक बोला गया है रेस्टिंग ट्रिमर्स, नॉट ट्रिमर्स, रेस्टिंग ट्रिमर। अभी तो आप अंतर भी बताऊंगा मैं कि ट्रिमर, नॉर्मल ट्रिमर और रेस्टिंग ट्रिमर में अंतर क्या होता है, ठीक है। लोग ट्रिमर बोलते हैं, ट्रिमर नहीं, रेस्टिंग ट्रिमर्स। थर्ड वन फिर क्या बोले, ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया। और लास्ट वन होता है क्या, पोस्चुरल इनसफिशियंसी। ये चार गोल्डन वर्ड्स हैं पार्किंसन के लिए, ये चारों के चारों एक पेशेंट में नजर आते ही आते हैं। ये चार सिम्टम्स आप बिल्कुल इनको एकदम लिख के आएंगे, बिल्कुल समझ आ जाएगा कि उसको पार्किंसन बिल्कुल पता है। और एक सिम्टम और होता है जो एसोसिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो होता है पिन रोलिंग मूवमेंट, पिन रोलिंग मूवमेंट। अब इन सिम्टम्स को ही हमें, पांचों सिम्टम्स को पहले पकड़ना है,
कि क्या क्या है, लेकिन उससे पहले हम पांचों सिम्टम को बाद में पकड़ेंगे, पहले हम समझते कि पार्किंसन हो क्यों रहा है, रीजन क्या है। हमारे ब्रेन में ना आपको पता है बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। अब न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम से सबसे पहले आपको एसिटाकोलिन याद आएगा, क्यों? क्योंकि एसिटाकोलिन अगर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पड़ा है तो हमें पता है एसिटाकोलिन क्या करता है। देखो न्यूरो ट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, बोले कौन कौन से होते हैं। एक न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो नर्व टू नर्व सप्लाई करते हैं, बोले एक नर्व से दूसरे नर्व पर कंडक्शन लेके जाते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, बोले नर्व से किसी भी जगह पे, कोई ऑर्गन पे, मसल्स पे, कोई भी, अगर मसल्स पे लेके जा रहे हैं, उसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अपन क्या पढ़ के आए, एसिटाकोलिन। वो क्या करता है, नर्व से मसल्स को, न्यूरो मस्कुलर यानी नर्व से मसल का कंडक्शन कराता है, जंक्शन बनाता है, इसी वजह से आप मूवमेंट कर पाते हो। तो एसिटाकोलिन इज ऑल्सो अ न्यूरो ट्रांसमीटर विच ट्रांसफर अ नर्व, कहां से, टू नर्व फ्रॉम अ मसल, मसल फाइबर, यहां से। अब ऐसे ही कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स ब्रेन के अंदर होते हैं जो एक न्यूरोन को दूसरे न्यूरोन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। वो कौन से, वो ब्रेन के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर, तो बोले वो कौन कौन से, बहुत सारे होते हैं, बोले जैसे डोपामिन, एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, है ना, सर्टोनिन। तो ये सब क्या है, ये सब की सब आपके ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो नर्व टू नर्व कंडक्शन कर रहे हैं। अब उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, दैट इज डोपामिन। कौन सा, डोपामिन। अब इसकी क्या हो जाती है, बोले इसकी हो जाती है कमी, जैसे ही बॉडी में इसकी कमी होती है ये लीड कर देता है पार्किंसन को। तो फिर भैया डोपामिन कर क्या रहा है, बोले डोपामिन क्या करता है, बोले डोपामिन्स रोल्स इन क्या, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। पहले तो उसका काम यही है कि एक नर्व से दूसरे नर्व तक इंफॉर्मेशन लेके जाना, मगर वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, क्यों भैया, क्योंकि अभी हम बात कर चुके बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो फंक्शंस कौन से बिगड़ते हैं, तो बोले वही फंक्शन बिगड़ेंगे ना जो डोपामिन एग्जीक्यूट करता है। तो डोपामिन कौन कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, बोले डोपामिन सबसे पहले रोल प्ले करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। बोले एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब जैसे आप कुछ भी एग्जीक्यूट करने वाले हो, आपने प्लान करा कि मुझे अब चलना है, अब मुझे चलना है, अब मुझे उठना है, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी है, तो उस फंक्शन की इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा, बोले डोपामिन लेके जाएगा। यानी याद करते चलना यहीं पर, बोले एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डोपामिन लेके चलेगा। बोले दूसरा, दूसरा लेके चलता है मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल। आप जितने भी आपके जितने अंदर आपके अंदर पावर है कंट्रोल करने की, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, कोई भी मूवमेंट करने के लिए, सबको लिए क्या चाहिए, मोटर कंट्रोल ही तो चाहिए। तो बोले एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मोटर कंट्रोल, और क्या, बोले मोटिवेशन। तो अब आपको ये चीज से बहुत प्यारी चीज क्लियर होती जा रही है कि जो सिम्टम्स यहां आएंगे अगर डोपामिन गिरेगा तो यही सारे सिम्टम्स एंटी पार्किंसन, वो क्या बोलते हैं, पार्किंसन में शो होने चाहिए, क्योंकि बात तो वही है ना। तो हमने क्या क्या बोला, पहले एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मोटर मोटर कंट्रोल, मोटिवेशन, यानी ऐसे पेशेंट आपको डिप्रेसिव, और ऐसे पेशेंट आपको डिप्रेसिव दिखेंगे क्योंकि ये मोटिवेशन लैक हो जाएगा उनका। तो अब आपको समझने आना चाहिए, क्योंकि ये जनरली पार्किंसन होता है ओल्ड एज में, ये आपको ओल्ड एज में मिलेगा। क्यों होता है वो भी अभी बताऊंगा। तो जब पार्किंसन के पेशेंट होते हैं तो बहुत 90% डिप्रेसिव होते हैं वो। हम लोग समझते हैं अच्छा साइकोलॉजी पर असर नहीं पड़ रहा, वो डिप्रेसिव इसलिए क्योंकि उनका मोटिवेशन लैक हो रहा है, क्योंकि डोपामिन उसी के नर्व फाइबर को कंडक्ट करता है। तो चीजों को बिल्कुल क्लियर कट समझते चलना है, ठीक है। मोटिवेशन, अराउजल, ठीक है, अराउजल आप समझ रहे, अराउजल, रीइन्फोर्समेंट, कोई भी चीज के लिए रीइन्फोर्समेंट दोबारा करना है, रीइन्फोर्समेंट लगाना, ये सारे, और रिवॉर्ड्स वगैरह, कोई भी चीज को हैपनिंग में रिवॉर्ड वगैरह देना खुद को। तो ये क्या मोटर फंक्शन पे तो हमने क्या देखे, बोले एग्जीक्यूटिव फंक्शन और मोटर कंट्रोल को तो ये बहुत ज्यादा कर ही रहा है। उसके बाद हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम्स पे बहुत फर्क कर रहा है, बोले मोटिवेशन, अराउजल हो, रीएनफोर्समेंट हो, रिवॉर्ड्स हो, इन सब को भी डोपामिन कंडक्ट कराता है, यानी उसकी कमी इन सब सारे चीजों को भी अफेक्ट करेगी। इसलिए पार्किंसन का पेशेंट साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को साइकोलॉजिकल भी दिखाना पड़ता है हमें, इसलिए ऐसे पेशेंट को सिडेटिव ड्रग्स, या फिर ऐसे सिडेटिव ड्रग्स, कामिंग ड्रग्स होते हैं जो मोटिवेशन बढ़ाते हैं, यानी क्या साइकेट्रिक ड्रग्स होते हैं, वो भी इन पेशेंट्स को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि वो ड्रग डिसीज, ये इस पार्किंसन की वजह से नहीं कि पार्किंसन हो गया इसलिए वो उसमें चले गए, नहीं, डोपामिन की कमी हुई इसलिए उसके सिम्टम्स भी उनमें हो रहे हैं, तो इसलिए हम उसकी मेडिसिन भी उनको देंगे। तो अभी हमने सारी बातें डोपामिन की समझ ली। तो डोपामिन क्या हुआ, क्यों मैं आपसे बोलूं इससे क्या होता है कि जैसे ही डोपामीन कम हुआ तो उससे क्या होगा कि जो नर्व, एक नर्व के बीच में दूसरे नर्व से कंडक्शन जाना है वो रुक जाएगा। तो उससे क्या होगा, बोले उससे नर्व सेल्स डाई होने लगे, क्योंकि कंडक्शन बंद हो जाएगा तो नर्व सेल्स डाई होंगे। तो मैं बोलूं नर्व सेल्स
आर डाई और ब्रेक डाउन, या तो वो अब टूटने लग जाएंगे या मरने लग जाएंगे ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ केमिकल मैसेंजर या न्यूरो ट्रांसमीटर डेट इज डोपामिन। बोले मोस्ट कॉमन रीजन क्या है? बोले मोस्ट कॉमन रीजन तो अननोन है। बोले मोस्ट कॉमन रीजन तो अननोन है। बोले फिर क्या है? फिर बोले जेनेटिक और एनवायरमेंट फैक्टर है। मोस्ट कॉमन रीजन तो अभी तक अननोन है, हमें नहीं पता कि डोपामिन की कमी कैसे हो जाती है, बिल्कुल नहीं पता है, अननोन है। लेकिन उसके बाद ऐसा देखा गया कि जेनेटिक ही बहुत ज्यादा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बाकी बोले बोले छोटे मोटे और भी कई ऐसे चार कई भी ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे मोस्ट कॉमन जो बिल्कुल कम करती हैं, जैसे ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। अगर हम पढ़ के आए हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, यूट्यूब पे वीडियो भी डली उसकी देख लेना, उसमें एक में पॉइंट बताया है कि ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज मतलब वो एक ड्रग पर्टिकुलर कोई डिसीज कर देता है, भले फिर आप बाद में उस ड्रग को छुटा दो फिर भी वो डिसीज आपको हो गई। तो ऐसे ही ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन होते हैं, जो कुछ ऐसे ड्रग्स हम नॉर्मली खा रहे होते हैं और उनकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी वजह से हमें हो जाता है पार्किंसन। वो ड्रग कौन से हैं, वो ड्रग को हम अभी आगे और समझेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ओवरऑल ओवरऑल समझ लिया कि पार्किंसन क्या है, डोपामिन। अभी हमारे मेन हमने बोला था कि हमें वो पांच पॉइंट समझना है, गोल्डन पॉइंट्स, कि उन पांचों गोल्डन पॉइंट में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पांचों गोल्डन पॉइंट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप पार्किंसन का पेशेंट आपके लिए ऐसा पीटी आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोले डोपामिन बाहर से दे सकते हो, बाकी सब कुछ आपको ही हैंडल करना होता है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इन पांचों पॉइंट को एकदम समझने की। थर्ड ईयर में आएगा वो बहुत एडवांस लेवल में आएगा, लेकिन अभी आपको बेसिक कंप्लीटली पता होना चाहिए सेकेंड ईयर के लेवल से। बोले क्या क्या बोला, पहला हमने पढ़ा था रिजिडिटी, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज रिजिडिटी। अब आप ये तो समझते हो कि व्हाट इज स्पास्टिसिटी और व्हाट इज फ्लेसिडिटी। बोले व्हाट इज फ्लेसिडिटी, बोले हाइपोटोनिया, बोले सारे मसल्स की टोन गिर जाए एकदम। आप स्ट्रोक के पेशेंट पे, आपने बहुत सारे स्ट्रोक के पेशेंट देखे जिनकी सारी टोन चली जाती है, कोई मूवमेंट फ्लेसिड हो जाते हैं। तो फ्लेसिडिटी बोले स्पास्टिसिटी, बोले हाइपरटोन, बोले क्या टोन भर जाए तो एकदम कैसे उनकी मसल्स एकदम कैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में चली जाती है, मूवमेंट नहीं हो पाता। तो फिर रिजिडिटी क्या है? बोले रिजिडिटी इज अ हाइपर एक्टिव फॉर्म ऑफ स्पास्टिसिटी। कैसे, कुछ डिफरेंस क्लियर करते हैं हम जरा रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी में, क्योंकि रिजिडिटी स्पास्टिसिटी में लोगों को कंफ्यूजन होती है। फ्लेसिडिटी और स्पास्टिसिटी में तो आप अंतर समझते हो कि बोले एक हाइपरटोनिया, एक में टोन चली गई है, एक में टोन बढ़ गई है, तो एक में कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा, एक में तो मूवमेंट बिल्कुल, और एक में इतने रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो गए हैं। लेकिन अंतर मेन कंफ्यूज होता है रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी में। तो बोले इनमें क्या होता है, बोले एक बार जरा समझते हैं। देखो हमारे दो ट्रैक्ट होते हैं, हमको पता है कि हमारे दो ट्रैक्ट चलते हैं, एक पिरामिडल सिस्टम और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। जब पिरामिडल सिस्टम बिगड़ता है तो होती है स्पास्टिसिटी, और जब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम बिगड़ता है तो होती है रिजिडिटी। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, एक लेक्चर इस पर जरूर लूंगा रिजिडिटी वर्सेस स्पास्टिसिटी पे, बहुत डीप में, वो बहुत ज्यादा डीप है, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले रहा हूँ। तो जब अब फिर मैं बाद में भी बताऊंगा कि जब पिरामिडल सिस्टम कैसे बिगड़ जाता है, पिरामिडल सिस्टम बोले पिरामिडल ट्रैक्ट बिगड़ने पर स्पास्टिसिटी क्यों है और एक्स्ट्रा पिरामिडल बिगड़ने पर रिजिडिटी क्यों है, इसको हम बाद में बहुत अच्छे से एक अलग लेक्चर पर कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक एंटी पार्किंसन ड्रग है। तो अभी तो हम सिर्फ बेसिक डिफरेंस ले लेते हैं कि क्या क्या है। बोले पिरामिडल ट्रैक्ट बिगड़ता है तो स्पास्टिसिटी होती है, और एक्स्ट्रा पिरामिडल बिगड़ता है तो रिजिडिटी होती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, बोले स्पास्टिसिटी अगर आप जैसे अगर आप समझो आप फोर आर्म का फ्लेक्शन कर रहे हो, तो आपको पता है फ्लेक्शन बाइसेप कराएगी, बाइसेप इज अ गोनिस्ट और क्या, और बाइसेप इज एगोनिस्ट, और बोले ट्राइसेप इज एंटागोनिस्ट, वो उसको एंटागोनिस्ट कर रही है। अगर मैं आपको बोलूं स्पास्टिसिटी होगी तो स्पास्टिसिटी का मतलब है कि जो बाइसेप है वो स्पास्टिसिटी में चली गई है, इसलिए अब आपका फोर आर्म कैसा फ्लेक्शन की पोजीशन में रह गया है, भयंकर कैसा रह गया फ्लेक्शन की पोजीशन में। आप उसको एक्सटेंड करवाओगे तो एक्सटेंड कर नहीं पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइसेप वाली मसल है वो स्पास्टिसिटी में चली गई है, उसने फोरआर्म को अपनी तरफ खींच लिया है, तो ये तो स्पास्टिसिटी है। बोले रिजिडिटी क्या है, बोले रिजिडिटी ये है वो, बोले उसमें एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों चली जाती है। बोले अगर बाइसेप क्या फोरआर्म के लिए, आपका फोरआर्म बीच में ना आप एक्सटेंशन करवा पाओगे ना फ्लेक्शन करवा पाओगे, तो आप सोच लो कितना एडवांस फॉर्म है, उसमें तो सिर्फ एक मसल ग्रुप जा रही है, बोले बाइसेप, बोले क्या, बोले बाइसेप जा रही, बाइसेप उसको अपनी तरफ खींच के रखेगी, मगर ट्राइसेप तो नॉर्मल है, तो आप उस ट्राइसेप फिर भी क्या मेहनत करेगी एक्सटेंशन करवाने में, इसलिए इन पेशेंट में आप फिर भी क्या करवा लेते हो, बोले आप पेशेंट एक्टिवली तो नहीं कर पाएगा, मगर आप पैसिवली फिर भी करा लोगे, फिर भी आप पैसिवली करा लोगे, आप उसका करा लोगे, क्यों, क्योंकि बोले एक मसल में फिर भी एक मसल में स्पासिटी नहीं, मगर अगर दोनों में हो जाए
बोले बाइसेप भी चली गई और ट्राइसेप दोनों कॉन्ट्रेक्शन हो गया। तो बोले फिर क्या होता है, बोले बीच में फंस के रह जाता है ना, आप फ्लेक्शन कर पाते हो ना एक्सटेंशन, और इतना खतरनाक तरीके से फंस जाता है ना, भयंकर रिजिडिटी होगी ना, आप फ्लेक्शन कर पाओगे ना एक्सटेंशन कर पाओगे। और अगर आप जब उसको खुद आप क्या पैसिवली भी कराते हो, तब भी बहुत पावर लगानी पड़ जाती है, क्योंकि इसका बहुत एडवांस्ड फॉर्म हो जाता है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो दो पॉइंट बोले, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट लिखा है कि हाइपरटोनिया इज अ क्लैस्प नाइफ टाइप ऑफ रिजिडिटी। क्लैस्प नाइफ का मतलब क्या होता है, देखो अभी हम बात कर चुके हैं, हमने क्या बोला कि बोले अगर समझ बाइसेप खराब हो गई मगर ट्राइसेप तो है, बाइसेप ने अभी तरफ खींच लिया, ट्राइसेप तो नॉर्मल है, तो बोले फिर क्या होगा, बोले फोर आर्म तो फ्लेक्शन में पहुंच गया, मगर आप जब पैसिवली उसको खींचोगे तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी पावर लगेगी, फिर उसके बाद पावर कम लगती चली जाएगी, आपको कम पावर लगानी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हाथ पीछे जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बोले ट्राइसेप तो नॉर्मल है ना, ट्राइसेप तो नॉर्मल है, क्या दिक्कत है, बाइसेप में तो प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग में भले पावर लगेगी आपकी, फिर पावर कम लगती है, बिल्कुल बोले ऐसे जैसे बटर होता है ना, बटर बटर पे आप नाइफ रखो, बोले स्टार्टिंग में तो आप जैसी नाइफ रखोगे आपको पावर लगानी पड़ेगी, तो उसके बाद इजीली आप तो बस नाइफ को पकड़े रहो, ऑटोमेटिक नाइफ अंदर की तरफ धसता चला जाता है, इसको बोलते हैं क्लैस्प नाइफ, एकदम आराम से बटर नाइफ एकदम नीचे पहुंच जाता है। तो वो ही इस तरीके से कि स्टार्टिंग में जब आप एकदम तोड़ोगे बाइसेप को तब पावर लगेगी, मगर फिर बाद में ट्राइसेप अपना रोल प्ले करने लग जाएगी तो उतनी पावर नहीं लगेगी, मगर ये चीज रिजिडिटी में नहीं होती, रिजिडिटी में ओवरऑल होती है। अब इसमें भी रिजिडिटी में दो टाइप की होती है, बोले कौन कौन से टाइप की होती है, बोले एक होती है लिड पाइप और एक होती है कौन सी, एक होती है कॉग व्हील। कॉग व्हील बोले ये क्या क्या है, लिड पाइप का मतलब है कि आप अगर, हम अगर पावर लगाएंगे तो पेशेंट को क्या पेन होगा? अब वो विद इन, वो तो पेशेंट की डिपेंड करेगा स्पासिटी का लेवल कितना है, और ऑब्वियो की बात है कि पेशेंट को फील होगा, क्योंकि एक मसल अगर कॉन्ट्रेक्शन में पहुंच गई है तो अब ये डिपेंड करेगा कि कितने ग्रेड की स्पास्टिसिटी हुई है। अगर बहुत ज्यादा हुई है तो आप पैसिवली करोगे तो सीधी सी बात है पेशेंट को पेन तो फील होना है, क्यों, क्योंकि आप उसको तोड़ रहे हो, आप ब्रेक डाउन करोगे तो पेशेंट को पेन एकदम जो पेन है वो फील उसको होना है, ये तो है ही है। मगर क्या रिजिडिटी में ज्यादा होगा कि स्पासिटी में, तो रिजिडिटी में ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर दोनों हो गई है, आपका आपका साथ एक भी मसल ग्रुप नहीं दे रही है, बाइसेप वाला तो आपका पुश कर रही है लेकिन ट्राइसेप तो आपका साथ दे रही है ना, स्पासिटी में जब आप एक्सटेंशन कराओगे तो ट्राइसेप आपका साथ देगी, भले बाइसेप अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी मगर ट्राइसेप तो साथ देगी आपका, लेकिन इसमें दोनों बिगड़ गई, इसमें कोई आपका साथ नहीं देगी, तो ये इसमें जब आप मूवमेंट कराओगे तो बहुत खतरनाक मूवमेंट होगा, चाहे फ्लेक्शन कराओ एक्सटेंशन कराओ, मूवमेंट क्यों, क्योंकि दोनों अगेंस्ट करेंगे तो कोई किधर भी मूवमेंट कराओगे बड़ी तकलीफ आने वाली है। अब इसमें भी तो क्या दो हमें एक्सरसाइज देने चाहिए? क्या, एक्सरसाइज करने चाहिए रिजिडिटी में? बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं करोगे तो वो और फिर मसल बास्टिंग में जाती जाएंगी, आप मसल्स को यूज में नहीं लोगे तो और बास्टिंग जाएगी, इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसलिए तो हम इसमें पैसिवली कराते रहेंगे पेशेंट को, वरना अगर आप नहीं कराओगे तो मसल बास्टिंग में जाती जाएंगी, मूवमेंट नहीं कराओगे मसल्स एक कंट्रेस रहेंगी, वास्टिंग हो जाएंगी, काम खत्म हो जाएगा, तो आपको कराना है ओके बिल्कुल, हम एक्सरसाइज तो कराते ही हैं, चाहे वो फ्लेक्सिडिटी हो स्पासिटी हो रिजिडिटी हो, हमारा काम ही है, वरना फिर पार्किंसन में हम जब पेशेंट को रिजिडिटी हो जाएगी तो हम ट्रीट कैसे करते हैं, इसलिए तो मैं आपको रिजिडिटी समझा रहा हूँ कि जब पेशेंट एक पार्किंसन का है और उसको रिजिडिटी है तो कैसे ठीक करोगे, बिल्कुल आपको एक्सरसाइज करानी है, और कैसे करानी है एक आपको जो और बताऊंगा अभी आगे वाले पॉइंट में आएगा। बोले दो टाइप की होती है, बोले लिड पाइप और कॉक भी। लिड पाइप का मतलब क्या है कि आप कंटिन्यूअसली प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप चाहे फ्लेक्शन में खींच रहे हो या एक्सटेंशन में, जो प्रेशर है वो ही कंटिन्यूअस प्रेशर ओवरऑल टाइम पीरियड पर रहेगा, प्रेशर कम ज्यादा नहीं होगा, आपको एक बार भी ऐसा फील नहीं होगा कि भैया अब प्रेशर कम लगाना पड़ रहा है आप ज्यादा लगाना पड़ रहा है, आपको दोनों ओवरऑल टाइम एक प्रेशर में आप मूवमेंट करोगे। तो फिर बोले कॉग व्हील क्या है, अगर आपने कॉग व्हील कभी देखा हो तो कॉग व्हील कैसा होता है, बोले इस तरीके से व्हील होता है और इसमें इस तरीके से ये सब ऐसे रहते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे को, इसको कॉग व्हील बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब क्या है कि आप जैसे एकदम खींचोगे तो आपको पावर लगानी पड़ेगी और सडन एकदम आपको एकदम ऐसा लगेगा एकदम जर्क मिलेगा कि अच्छा एकदम जैसे एकदम उसने छोड़ दियो मसल ने, एकदम एक सेकंड का जर्क मिलेगा कि जैसे मसल ने एकदम उसको छोड़ दिया हो, फिर आपको पावर लगानी पड़ेगी, फिर जर्क मिलेगा, फिर पावर लगानी पड़ेगी, फिर एकदम जर्क मिलेगा, जर्क वो आपको ऐसा फील होगा जैसे मसल ने उसको एकदम एकदम छोड़ दिया, लूज कर दिया है। ये क्यों होता है, ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि इसमें दोनों मसल ऑफ ग्रुप इन्वॉल्वमेंट है, तो एक खींचती है तो दूसरे भी अपनी पावर लगा रही होती है, तो एक तो लिड पाइप है, लिड पाइप में ऐसा आपको कोई जर्क फील नहीं होगा, आपको कंटिन्यूटी में एक ही प्रेशर आपको फील होगा कि भैया मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, एक ही प्रेशर पर फील हो रहा है। मगर अगर कॉग व्हील वाला है तो ये आप जब रिजिडिटी के पेशेंट देखोगे तो आपको पहचानना है कि भैया कॉग व्हील है कि लिड पाइप है, कंटिन्यूस फील हो रहा है लिड पाइप है, अगर बीच में आप जैसे लगा रहे हो एकदम एक हल्का सा एक बिल्कुल माइनर जर्क मिल रहा है
एकदम स्टार्ट आपको लगा चल रहा है जैसे मसलने छोड़ दिया, और जैसे आप करोगे फिर स्टार्ट फिर स्टार्ट, तो ये बिल्कुल ही माइनर से जर्क से मिलेंगे, इसको बोलते हैं कॉग व्हील रिजिडिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बड़ी चीज के बोले रिजिडिटी होती है वो स्ट्रेच सेंसिटिव होती है। स्ट्रेच सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने स्पास्टिसिटी जो रिजिडिटी है वो स्ट्रेच सेंसिटिव, मतलब क्या कि आपने अगर एकदम कंटिन्यूअस प्रेशर से खींची और बहुत ज्यादा एकदम आप एकदम स्पीड में कराते चले गए तो रिजिडिटी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। रिजिडिटी को बहुत इजीली हैंडल करना पड़ता है। आप कोई भी अगर जैसे आप पैसिवली उसको खींच रहे हो तो बिल्कुल धीरे धीरे, और ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दो फिर खींचो, नहीं, स्ट्रेच सेंसिटिव होती है। अगर आपने थोड़ा भी एकदम प्रेशर ज्यादा लगा दिया ये कर दिया तो ये रिजिडिटी और बढ़ती चली जाएगी, पेशेंट और रिजिडिटी की तरफ जाएगा। इसलिए इनकी जो एक्सरसाइजेस होती हैं बहुत ध्यान से कराई जाती हैं कि कंटिन्यूअस एकदम, जब अगर आप एक मोशन करा रहे हो तो पूरा फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन ले जा रहे हो तो कंटिन्यूअस एक प्रेशर के साथ लेते चले जाओ, कहीं बीच में रोकना नहीं है, कहीं कम नहीं लगाना, और स्पीड से बिल्कुल नहीं कराना, बिल्कुल धीरे धीरे कराना होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस सेंसिटिव होती है। आपने थोड़ा भी करा हो एकदम स्ट्रेचिंग आई इन पर, जैसे उसको एकदम फील हुआ कि अरे आप स्ट्रेचिंग दे रहे हो, क्योंकि आप खुल के स्ट्रेचिंग तो दे रहे हो, जैसे ना फील हुआ कि स्ट्रेचिंग आ रही है तो रिजिडिटी और बढ़ जाएगी। तो आपको बिल्कुल एकदम धीरे 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 करना पड़ता है, मगर वो चीज वो ये है ना, मगर वो चीज आपको उसमें फील नहीं होगी। ठीक है, ये हमने अभी बात करी थी रिजिडिटी और क्लियर। अब हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए, बोल कौन कौन से हो गए? एक अभी हमारा मतलब एक ही कंप्लीट हुआ है, पहला ही रिजिडिटी। दूसरा ट्रिमर, बोले ट्रिमर क्या? बोले ट्रिमर में भी आपको रेस्टिंग ट्रिमर बोलना है। ऐसे पेशेंट जब बैठे होंगे, जब ये कुछ काम करेंगे ना तो आपको कुछ फील नहीं होगा, कुछ भी काम करेंगे ना तो आपको कुछ फील नहीं होने वाला। जब ये चल रहे होंगे कुछ काम कर रहे होंगे तो इनको ट्रिमर्स नहीं आएंगे, मगर ये जैसे ही आराम करने के लिए बैठेंगे लेटेंगे इनके एकदम भयंकर ट्रिमर्स, और इतने खतरनाक ट्रिमर्स आते हैं, कंटिन्यूस हाथ पैर हिलते ही रहते हैं बुरी तरीके से, और इनको रेस्टिंग ट्रिमर बोला जाता है, क्योंकि जब पेशेंट रेस्ट में होता है तभी ये आते हैं। अगर क्यों आते हैं रेस्ट में? क्योंकि जब आप काम वाम करते हो कुछ करते हो तो ब्रेन एक्टिविटी में रहता है, जब ब्रेन एक्टिविटी में रहता है तो ट्रिमर्स इसमें बंद हो जाते हैं। जैसे ही आप बैठते हो और ब्रेन के मोटर फंक्शंस बंद होते हैं आपको ट्रिमर आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए आप में इसमें जो ट्रिमर मिलेंगे वो आपको रेस्टिंग ट्रिमर्स मिलेंगे जब आप क्या रेस्ट पे होगे तब। और क्या मिलेंगे? बोले ब्रैडीकाइनेसिया मिलेगा। ब्रैडीकाइनेसिया का मतलब क्या? बोले स्लोइंग मूवमेंट। बोले स्लोइंग मूवमेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं इट क्या, वो मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल का काम था डोपामीन का। अब जब मोटर कंट्रोल बिगड़ जाएगा तो पेशेंट को हर टाइम यही लगेगा अरे वो जैसे कोई मूवमेंट ले वो गिर ना जाए, उसका बैलेंस लूज हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम आ रही, तो एकदम छोटे छोटे गेट लेगा, मतलब छोटे छोटे कदम चलेगा, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे हाई स्टेपिंग गेट लेता है, एकदम मतलब छोटे छोटे से गेट चलेगा, मगर ब्रॉड ब्रॉड एरिया उसका वो ब्रॉड रखेगा, जो इसके बीच में है दोनों दोनों लिम्ब के बीच एरिया ब्रॉड रखेगा, मगर कदम छोटे छोटे से उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना क्या है जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो बड़ा कर लेता है, बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा बड़ा कर लेता है और छोटे छोटे से गेट उठाता है। ठीक है, और प्लस इसमें अगर आपको याद हो मैंने आपको एक पॉइंट और बताया डोपामिन में, अभी क्या बताया? बोले री इन्फोर्समेंट का भी काम करता है। जब पेशेंट एकदम एकदम वो चलते चलते ना एकदम एकदम खुद को रोक नहीं पाता, जैसे वो चल रहा है ना तो एकदम नहीं रोक पाएगा खुद को, एकदम उसे लगा कि उस पर नहीं रोक पा रहा, क्यों? क्योंकि उसके जैसे री इन्फोर्स एक काम कर रहा है ना तो उसको दोबारा करने चालू में उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे वो चल रहा है तो रुकने में प्रॉब्लम आएगी और रुक गया तो फिर चलने में प्रॉब्लम आएगी, ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। प्लस चौथा पॉइंट पोस्चरल इनसफिशिएंसी। पोस्चरल मतलब ओवरऑल, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मोटर फंक्शन बिगड़ गए तो उसका पोस्चर एकदम बिल्कुल आगे की तरफ झुका हुआ मिलेगा। क्यों आगे की तरफ झुका हुआ? क्योंकि उसको डर लग रहा है मैं गिर ना जाऊं, तो उसको कंट्रोल करने का, उसको ऐसा लगेगा कि मैं पीछे की तरफ ऐसे सीधा खड़ा होता तो मैं पीछे की तरफ गिर रहा हूं, बैलेंस नहीं बन रहा, तो वो खुद को अपनी आगे खुद को आगे की तरफ झुका लेगा बैलेंस बनाने के लिए। और भी बहुत सारे उसके पोस्चर्स में आपको डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक साइन होता है जो इतना कॉमन नहीं होता, वो होता है पिन रोलिंग, PIN, पिन रोलिंग। पिन रोलिंग मूवमेंट होता है कि वो अपने आपके उसके हाथ में ना उंगलियों को घुमाते रहेगा, जैसे उसने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में कोई पिन रखी हो और उसको कंटिन्यूसली घुमा रहा है उसको, तो क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पिन रोलिंग मूवमेंट उन लोगों में ज्यादा बहुत मिलेगा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन लोगों में ऐसी प्रॉब्लम जिनमें बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, एकदम अराउजल और ऐसा रिवॉर्ड ऐसा वो एकदम खुद में वो नहीं है, साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा, तो एकदम ऐसा वो करते रहते हैं। ये साइंस होते हैं, ये साइन होते हैं कि अच्छा वो बहुत ज्यादा क्या एकदम
डिप्रेस और उस सब में जा रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग वाले साइंस होते हैं, पिंडोले मूवमेंट वगैरह, इसलिए इसको थोड़ा गोल्डन चारों में नहीं रखा गया, क्योंकि कुछ लोगों में मिलते हैं और कुछ लोगों में नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी में इतना हाई डिप्रेशन हो, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चार गोल्डन पॉइंट हमें याद रखने। अब एंटी पार्किंसन ड्रग क्या है? कैन हेल्प टू रिड्यूस द सिम्टम्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हमें सीधी सी सीधी बात समझनी है कि दो टाइप के, अब हम दो टाइप के ड्रग अभी मेन पढ़ेंगे। एक होता, एक देखो अब ये होता क्यों एंटी पार्किंसन, दो वजह है। एक तो वजह है कि डोपामिन का डाउन होना, और एक वजह है कोलेजेनिक का बढ़ जाना। कोलेजेनिक बढ़ता ही जब है जब डोपामिन गिरता है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा काम यह है, काम यह है कि या तो डोपामिन का एक्टिविटी बढ़ाओ और साथ साथ जो कोलेजेनिक है उसकी एक्टिविटी घटाओ। या तो डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ड्रग दो, और डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ाओगे तो कोलेजेनिक एक्टिविटी अपने जो ओवर एक्टिविटी है वो अपने आप ही कम हो जाए, क्योंकि डोपामिन जब वो कम होता है ना तो कोलेजेनिक बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी करने लग जाता है, उसकी वजह ओवर एक्टिविटी करने उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जब डोपामिन देते हैं, डोपामिन बढ़ा तो ऑटोमेटिकली कोलेजेनिक है ना उसकी एक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाती है, वैसे अपने आप। मगर ए क्लासिफिकेशन का ड्रग ऐसा भी आएगा जिसमें कोलेजेनिक की ओवर एक्टिविटी कम करने के लिए, क्योंकि जब अगर ऐसा लगता है कि कोलेजेनिक बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी करने लग गया तो उसको डोपामिन ड्रग के साथ एक कोलेजेनिक ओवर एक्टिविटी की ड्रग भी देने लग जाते हैं, जो उसको डिप्रेस कर दे, कोलेजेनिक की ओवर एक्टिविटी को क्या कर दे, डिप्रेस कर दे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, वही फिर बात। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, जैसे ही एंड होना आप लोग फटाफट वो लिंक पर द्वारा आ जाना। क्लासिफिकेशंस में क्या क्लासिफिकेशन है इसकी चार्ट मेन क्या है, मेन तो आपको दो है अभी आप ऊपर पढ़ के आए। एक तो वर्क करेगा डोपामिन को बढ़ाने पे और एक वर्क करेगा कोलर्जेनिक को कम करने में। ठीक है, मेन हमारा फोकस है डोपामिन को बढ़ाने पर, क्योंकि डोपामिन बढ़ाओ कोलर्जेनिक की ओवर एक्टिविटी अपने आप कम हो जाती है। तो बोले डोपामिन को कैसे बढ़ा सकते हैं, बोले चार काम है। क्या काम है, बोले हमें पता है हमारे बॉडी में कुछ भी बन रहा हो उसका एक प्रीकर्सर फॉर्म जरूर होता है। आप पढ़ के आ चुके बहुत सारे ड्रग्स में, मैंने आपको बताया भी है पढ़ाई कि प्रीकर्सर फॉर्म तो हर ड्रग का हमेशा ही रहना है। जैसे क्या, अगर आपको याद हो थायरोक्सिन ट्राईहाइड्रोथायरोनिन T4 इज अ प्रीकर्सर ऑफ T3, इस तरीके से अपन बहुत सारे पढ़ के आए हैं पीछे, कितने ये थायरॉइड में पढ़ के आए हो। तो अपन क्या करते थे T3 की जगह अपन T4 देते थे, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा बॉडी में यही होती है कि जो नॉर्मल चीज है उसको मत दो, उसका प्रीकर्सर दो, बॉडी को खुद बनाने दो। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर वो कोई चीज दोगे ना तो बॉडी को उस चीज की बहुत आदत पड़ जाती है, फिर बॉडी एकदम डिपेंडेंसी में ही चली जाएगी कि अरे भैया ये तो बाहर से मिल रहा है बाहर से ही दो। जबकि बॉडी को आप क्या बोले, बॉडी को आप रॉ मटेरियल दे दो, बोले बनाओगे आप ही, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है ना, प्रॉब्लम आ रही है कोई वैसे कोई बात नहीं, हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं बनाओ आप। लेकिन जब लगता है कि फैक्ट्री के अंदर ही प्रॉब्लम होगी तो फिर हम बाद में दूसरे पे जाएंगे, वरना काम फैक्ट्री को ही करने दो। उससे दो चीजें होती हैं, बोले क्या, एक तो फैक्ट्री काम करेगी करेगी करेगी, और बोले दूसरी क्या, बोले जब फैक्ट्री का माल तैयार होगा तो लोग उसको पता रहेगा कि अच्छा ये हमारी फैक्ट्री में बनाए तो ये हमारे लिए आइडेंटिकल है, इससे हमें एडवर्स इफेक्ट मिनिमम आएंगे। क्योंकि कोई चीज अगर बाहर से डालोगे तो बॉडी उसके लिए एडवर्स इफेक्ट तो दिखाएगी, तो एडवर्स इफेक्ट मिनिमम करने के लिए भी हम डोपामिन प्रीकर्सर ही देते हैं कि जिससे एडवर्स इफेक्ट मिनिमम टू मिनिमम हो जाए। बोले तो एक पहला देंगे डोपामिन प्रीकर्सर, दूसरा कौन सा देंगे, बोले दूसरा देंगे कि बोले अगर प्रीकर्सर से काम नहीं चल रहा तो डोपामिन रिलीज क्या ड्रग्स डेट रिलीज डोपामिन, अगर डोपामिन को जो ब्रेन में खुद रिलीज कराए। अभी इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि बॉडी में हमें पता नहीं बहुत सारे अननोन कॉज है किस वजह से रुक गया। तो ये तो आप जब दे सकते हो ड्रग डेट रिलीज डोपामिन, जब आपको पता है कि डोपामिन इस वजह से रिलीज नहीं हो पा रहा, जैसे मोस्ट कॉमन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, तो आपको पता है कि अच्छा इस वजह से इसको डोपामिन को रिलीज करने से रुक दिया है, तो भैया वहां ये दे सकते हो। लेकिन आपको पता है कि जेनेटिक है और आपको पता है इडियोपैथिक रीजन है, इडियोपैथिक मतलब होता है अननोन कॉज, तो आप फिर वहां तो ये दे ही नहीं सकते। फिर क्या दे सकते, बोले डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होते हैं, बोले इट इज अ दैट ड्रग्स व्हिच मिमिक डोपामिन, क्योंकि जो डोपामिन अगर प्योर डोपामिन नहीं दे रहा है तो ऐसे ड्रग्स देते हैं जो डोपामिन की तरह मिमिक करते हैं बॉडी में अंदर जाकर। ठीक है, और चौथे क्या, बोले चौथे ऐसे होते हैं कि यार हमें पता है कि यार बॉडी में क्या अगर बोले थोड़ी बहुत डोपामिन की कमी है, ज्यादा नहीं है, तो बोले क्या करें, तो बोले काम करते हैं कि बॉडी में जो डोपामिन हमें पता है मेटाबोलाइज तो होता ही है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म को मेटाबोलाइज है नहीं, एक तरीके से बोले तो कैटाबॉलिज्म टूटता है, तो उसको हम अगर रोक दें तो।
अगर अगर वो मिनिमम टू मिनिमम टूटेगा तो ऑटोमेटिक बॉडी में डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर हमारी सप्लाई कम है तो हमारा जो आउटपुट है वो हम कम कर देंगे, तो आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई की रेट बढ़ जाए, तो हमारी जो क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग की रेट है वो बढ़ जाएगी अगर हम सप्लाई की रेट कम कर देंगे तो।